पाक न्यूज का जाली मशरूबात बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा। फैक्ट्री में जाली मशरूबात धड़ल्ले से तैयार किए जा रहे थे। अरसे दराज से फैक्ट्री में मकरू धंधा जारी था। जाली मशरूबात बनाने वालों के खिलाफ महकमा फूड नाकाम हो चुका और न्यूज की टीम ने जाली मशरूबात बनाने वालों को बेनकाब किया और देखा कि किस तरह महकमा फूड नाकाम हो चुका है, किस तरह पाकिस्तानी अवाम को जहर पिलाया जा रहा है। मजीद तफसीलात जानते हैं जाली मशरूबात बनाने वाली फैक्ट्री में मौजूद पाक न्यूज के नुमाइंदे मकसूद बुखारी से। जी आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, आज हम आपको दिखाएंगे किस तरह हमारी नौजवान नस्ल को किस तरह ये लोग जहर पिला रहे हैं। इस वक्त जहर किस तरह पिलाई जाती है, ये वो जहर है जो हम ठंडा मेहमानों के लिए और ब्याह शादी के तकरीबात में जब हम आते हैं तो वहाँ पर हम अपनी शादी के तकरीब में हम लोगों को कोक, स्प्राइट और मुख्तलिफ किस्म के मशरूबात हम पिलाते हैं, लेकिन ये नहीं पता होता है ये किस तरह तैयार होते हैं, किस तरह ये जहरीला पानी जो है हमारे लोगों के लिए ये जहर है। मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह ये लोग जहर तैयार करते हैं। ये वो नीले ड्रम हैं जो पहले पाबंदी भी लग चुकी है महकमा फूड डिपार्टमेंट की तरफ से, लेकिन अफसोस कि महकमा फूड डिपार्टमेंट कितना बेबस हो चुका है कि यहाँ पर इस इलाके में इतनी बड़ी जो फैक्ट्री है बनाई गई, अरसा दराज से यहाँ पर काम हो रहा है लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। और यहाँ पर ये नीले ड्रम पड़े हुए हैं जिनमें ये मशरूब तैयार किया जाता है, और मैं आपको दिखाऊं ये वो ये बड़े बड़े बर्तन हैं जिसमें ये केमिकल मिलाते हैं और कलर मिलाकर इसको फेंटा ड्यू और मुख्तलिफ किस्म की मशरूबात तैयार करते हैं। ये वो मशीन है जहाँ पे इसकी मिक्सिंग की जाती है, लेकिन अफसोस महकमा फूड डिपार्टमेंट किस तरह बेबस हो चुका है, किस तरह उसकी नलायकी है कि इतने बड़े शहर में ये तैयार किया जा रहा है मशरूबात। अफसोस है, लेकिन यहाँ पे ये मशीनें बनी लगी हुई हैं। अपना कैमरामैन को कहूँगा इसकी गंदगी दिखाएं कि किस तरह ये गंदे पानी में मशरूबात तैयार किए जा रहे हैं। ये वो मशरूबात हैं जो हमारी छोटे छोटे बच्चे, बड़े बूढ़े हम इस्तेमाल करते हैं। ये वो बोतल है, इसको फेंटा की बोतल कहा जाता है। ये फेंटा की बोतल तैयार हो रही है। ये वो मशीन है जिसके साथ इसकी भराई की जाती है। और दूसरी आपको बताऊं जहाँ पे ये गंदे पानी के ड्रम पड़े हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। और दूसरी ये मुकम्मल पैकिंग मुकम्मल हो चुकी है, ये वो पैकिंग है जो फेंटा की मुकम्मल पैकिंग तैयार हो चुकी है, लेकिन अफसोस है महकमा फूड डिपार्टमेंट के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, किस तरह हमारे लोगों को जहर पिलाया जा रहा है, किस तरह ये कोक, स्प्राइट और किस तरह ये लोगों को जहर पिलाया जा रहा है। ये वो मशीन है, ये मशीन है जहाँ पर इसकी भराई की जा रही है। मैं आपको ये और चीज़ भी दिखाऊंगा कि ये गंदगी देखें किस तरह ये गंदगी यहाँ पर फैली हुई है, कोई पूछने वाला नहीं है। अरसा दराज से ये काम जो है वो जारी है। ये कारीगर भी मेरे साथ मौजूद हैं, हम इन कारीगरों से भी बात करेंगे कि कितने अरसे से ये काम जो है वो आप कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। फैज़ मोहम्मद। फैज़ मोहम्मद। फैज़ मोहम्मद। फैज़ मोहम्मद जी, अपना मकरू धंधा कब से कर रहे हैं आप? मैं दो हफ्ते हो गए ना, दो हफ्ते। आपको पता है ये बोतल कौन सी तैयार हो रही है? जी ये तो पता है, लेकिन उन्होंने पहले अपना लाइसेंस दिखाया था। नहीं, आपको पता है कि पेप्सी कोक वगैरह की बोतल जो कंपनी के बगैर नहीं बनती। जी कोक की कंपनी है ना? हाँ है। तो फिर जब हम घर में कोक की फैक्ट्री बना सकते हैं? नहीं, एक ही रजिस्टर्ड होगी ना फैक्ट्री जो कोक की है, वो एक ही होगी जो कोक होगी। इजाज़त जी, कोक ने इजाज़त दी है आपको बनाने की? ये तो पता नहीं, हमें मालकों को पता होगा। जी आप बताएं कितने अरसे से यहाँ पे काम कर रहे हैं? आपको तीन हफ्ते हो गए। तीन हफ्ते? तीन हफ्ते हो गए। तो आपको नहीं पता ये क्या काम हो रहा है? नहीं ऐसा ये केमिकल मिला आप लोगों को जहर पिला रहे हैं? नहीं ऐसा पता नहीं, मालकों को पता होना है। आपको बना कितनी मजदूरी है आपकी? 1800। जी भाई जी, आप क्या बना रहे हैं यहाँ पे? सर ये जो बोतल लिया, कौन सी बोतल तैयार कर रहे हैं? सर मुझे तो पता नहीं है, मुझे तो अभी दो दिन हुआ इधर आया। कौन सी बोतल तैयार कर रहे हैं? ये जो है फांटा किया, फेंटा कोक जी, स्प्राइट वगैरह, पेप्सी। आपको पता है ये गैर कानूनी है? जी मुझे तो पता है गैर कानूनी, लेकिन मालकों ने हमें नहीं बताया था। जी बिल्कुल, हमने कारीगरों से भी बात की है, कारीगरों को यही कहना है कि हमें नहीं पता ये मालकों की
तरफ से हमें कहा गया है इसको भरना। ये कोक की बोतल है, ये कंपनी के बगैर कोक की बोतल तैयार नहीं होती। कंपनी वाहद होती है जो एक इसकी रजिस्ट्रेशन होती है, ये कोक की फैक्ट्री है, कोक की यहाँ से भराई की जा रही है। तो कोक की जो बड़ी तादाद में जो बोतलें जो पड़ी हुई हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। ये दूसरी तरफ आपको दिखाऊंगा, ये स्प्राइट है, ये स्प्राइट की बोतल जो है वो तैयार की जा रही है। ये है हमारे पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर किस तरह ये मकरूह धंधा जो है वो जारी है। तो किस तरह हम कहेंगे कि पाकिस्तान के अंदर हमारी नौजवान नस्ल को, हमारे बच्चों को, हमारे बूढ़ों को किस तरह, ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं ये मशरूबात पीते हैं, हमारे मशरूबात जो हैं वो किस तरह जहरीले हैं। ये जो बोतल आपको सामने नज़र आ रही है, ये बोतल तैयार हो चुकी है, ये फेंटा की बोतल है। अभी इसकी जो है पैकिंग के लिए यहाँ पर रखा गया है, ये तो बड़ी तादाद में जो बोतलें पड़ी हुई हैं। और मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ पर ये दिखाऊँगा आपको, ये मुकम्मल पैकिंग जो है वो हो चुकी है। जो छोटी रेगुलर बोतल होती है, जो आम मुसाफिर जो हैं वो रास्ते में रोड के ऊपर जो भी शॉप होती है वहाँ से ख़रीदते हैं, ये वो चीज़ें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह ये लोग आवाम को जहर पिला रहे हैं। और दूसरी जानब मैं आपको दिखाऊँ, ये कोक की बोतल है, जो कोक की कंपनी के बगैर तैयार नहीं होती। ये इसकी मुकम्मल पैकिंग जो है वो मुकम्मल तैयार हो चुकी है। तो किस तरह हम कहेंगे कि पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर, ये पंजाब शहर लाहौर शहर के बिल्कुल करीब ये एरिया है रहमान गार्डन के करीब, यहाँ पर ये मकरू धंधा जो दो नंबर बोतल कहते हैं इसको, और जहरीले केमिकल से जो तैयार की जा रही है। लेकिन अफसोस है कि फूड डिपार्टमेंट किस तरह बेबस यहाँ पे लाहौर के अंदर, शेखुपुरा के अंदर तकरीबन तमाम डिपार्टमेंटों को गाड़ियाँ दी गई हैं कि इलाकों के अंदर ऐसा मकरू धंधा करने वालों को पकड़ा जाए और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। लेकिन मैं खराज तहसील पेश करूँगा पंजाब पुलिस को, शेखुपुरा पुलिस को, थाना फैक्ट्री एरिया पुलिस को कि उन्होंने फौरी यहाँ पर कार्रवाई की और अपनी नौजवान नस्ल को किस तरह इस मकरू धंधा और जहरीले पानी पीने से अपनी पंजाब की आवाम को, लाहौर की आवाम को, शेखुपुरा की आवाम को किस तरह बचाया। और आज जहाँ पे फैक्ट्री को बेनकाब किया, फैक्ट्री के अंदर किस तरह बड़ी तादाद में जो लोग मकरू धंधा कर रहे थे आज इनको पकड़ा गया। और उसके बाद महकमा डिपार्टमेंट जो है फूड डिपार्टमेंट उसको बोलेंगे कि इसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए ताकि जो हमारी पाकिस्तान की जो आवाम है उसको बचाया जा सके।